दोस्तों कुत्तों को आमतौर पर इंसानों पर निर्भर रहना होता है। वे घर घर जाकर कई घंटों तक दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं कि उन्हें कोई रोटी या फिर ब्रेड या फिर बचा हुआ खाना दे दे। हालांकि कुछ लोग कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें एडॉप्ट भी कर लेते हैं, तो कई लोग स्ट्रीट डॉग को भी खाना खिलाते हैं और उनकी केयर भी करते हैं। लेकिन एक गाँव ऐसा भी है जहाँ वह कुत्तों को बेइंतहा प्यार किया जाता है, बल्कि वहाँ कुत्ते तो करोड़पति हैं और उनके पास इंसानों की तरह कई बीघा जमीन और प्रॉपर्टी भी है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुजरात के बांसकांठ जिले के पालनपुर तालुका इलाके की। दोस्तों यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है कुशलकल। दोस्तों इस गांव की मान्यता और परंपरा के चलते यहाँ कुत्ते भी करोड़पति हो गए हैं और इन कुत्तों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति है। इतना ही नहीं, यहाँ कुत्ते खेतों के मालिक भी हैं। दोस्तों मीडिया के मुताबिक कुशकल गांव में करीब 7,000 लोग रहते हैं। यहां के निवासी खेती किसानी और पशुपालन का काम करते हैं, इसलिए यहां के निवासी काफ़ी धनवान हैं। लेकिन गांव वालों के साथ ही यहां कुत्ते भी अमीर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां कुत्तों के पास करीब 20 बीघा ज़मीन है और इस ज़मीन की कीमत 5 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि कुत्ते इतने अमीर हुए तो हुए कैसे। दोस्तों मीडिया के मुताबिक आई खबरों के अनुसार इस गांव के कई साल पहले नवाबों का शासन था और नवाबों ने गांव के लोगों को खेती करने के लिए 20 बीघा जमीन दी थी। लेकिन यहां कहा जाता है कि गांव वालों ने कहा कि वे इंसान हैं, उनके हाथ पैर हैं और वो मेहनत मजदूरी करके कोई भी काम करके अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन गांव में रहने वाले कुत्तों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो। इस भावना के चलते गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि ये 20 बीघा ज़मीन कुत्तों के नाम कर दी जाए। मैं तो नवाब को भी इस व्यवस्था से कोई परेशानी नहीं थी। नवाब राजी हो गया और उन्होंने गाँव के कुत्तों के नाम 20 बीघा ज़मीन कर दी। जहाँ कुत्तों की ये ज़मीन है, पास में एक सड़क गुजरती है जिसकी वजह से उसकी कीमत करोड़ों में है। दोस्तों दरअसल प्रतिवर्ष इस ज़मीन को नीलाम करके किसानों को खेती के लिए दिया जाता है। इसमें पैदा होने वाले अनाज को बेचकर वो रकम कुत्तों के लिए रख ली जाती है, जिससे कुत्तों के खाने की व्यवस्था की जाती है। दरअसल प्रतिवर्ष इस ज़मीन को नीलाम करके किसानों को खेती के लिए दिया जाता है। उसमें पैदा होने वाले अनाज को बेचकर सारी रकम कुत्तों के लिए रख ली जाती है, जिससे कुत्तों के खाने की व्यवस्था की जाती है। और गांव के लोगों ने एक विशेष व्यवस्था बना रखी है जहां पर आवारा कुत्तों को खाना दिया जाता है।